हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन टू ठीटा लॉ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस्ट थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा तो हमें इस इनडेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू बताना है स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं यहाँ पे कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है इंटीग्रेशन यू मल्टीप्लाई में वी डी एक्स जहां पे u को हम फर्स्ट फंक्शन v को सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं तो बाय बायपार्ट लगा के इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं u एज इट इज रहता है इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस में इंटीग्रेशन डी यू अपॉन में डी एक्स और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ v वी रिस्पेक्ट टू x और इस कंप्लीट टर्म का x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और u और v को हम कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसे बोलना और सेकंड फंक्शन किसे बोलना इसके लिए हम यूज करते हैं किसका आईलेट रूल का आईलेट रूल में देखो आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन ठीक है टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हम इस आईलेट में जो अल्फाबेट का ऑर्डर आ रहा है उसी हिसाब से फर्स्ट फंक्शन यहां पे तय करते हैं ठीक है और उसके बाद में देखो एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग लॉग बेस ई मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस में सी ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो अब सबसे पहले देखो हम बोल देते हैं हमारे इंटीग्रल को लेट आई है ये इंटीग्रल और ये किसके इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा मल्टीप्लाई में लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और डी थीटा ठीक है तो यहाँ पे डिसिमिलर फंक्शन दिख रहे हैं एक तो लॉग का फंक्शन है और एक कॉस में है यानी एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है आईलेट हमने देखा तो आईलेट में देखो एल पहले आ रहा है ना टी से इसका मतलब लॉगरिथमिक वाले को हम फर्स्ट बोलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हम सेकेंड बोल देंगे तो यहां पर लगा देते हैं पार्ट्स तो लॉग अंदर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये तो एज इट इज रहेगा

माइनस साइन थीटा इसको देखो कैसे करना है हमें हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना लॉग ए माइनस लॉग बी वेन डिफाइंड ठीक है तो डी अपॉन डी थीटा इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा लॉग कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अब डिफ्रेंसिएशन भी ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक बार तो इसका डिफरेंसिएशन करेंगे लॉग एक्स का डिफ्रेंसियन वन अपॉन एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में उसी तरीके से यहां पे वन अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा आ जाएगा ठीक है और चेन रूल से अगेन कॉस थीटा का डिफ्रेंसियन तो माइनस का साइन थीटा हो गया और साइन थीटा का डिफरेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा फिर माइनस में इधर भी सेम प्रोसेस है वन अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर अगेन चेन रूल लगाया कॉस थीटा का डिफरेंसिए माइनस साइन थीटा और माइनस में साइन थीटा का थीटा एलसीएम ले लो डिफ्रेंस थीटा तो एक बार ये देखो ये डिवाइड होगा इससे तो ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जाएगा इसके मल्टीप्लाई में यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है तो इसका होल स्क्वायर कर दो माइनस में देखो यहां से अगर माइनस हम बाहर निकाल लेना तो यहां पे प्लस बन जाएगा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो इधर से बेसिकली ये क्या आ गया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर आ जाएगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं देखो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में टू साइन थीटा थीटा और नीचे ए माइनस बी मल्टीप्लाई में A +B वाली आइडेंटिटी लग जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो कॉस्थीटा स्क्वायर थीटा हो गया तो अब देखो ये टर्म आपस में तो जीरो हो गए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वन होता है और इधर भी साइन स्वयर थीटा प्लस थीटा वन हो जाएगा वन प्लस वन यानी कि टू हो गया और अपॉन में कॉस्वर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है कॉस् टू थीटा का। तो ये आ गया हमारे पास हमने देखो इतने बड़े टर्म को इतना सिंप्लीफाई कर लिया तो ईजी हो जाएगा ना थोड़ा तो इसका डिफ्रेंसिएस टू थीटा आ रहा है और मल्टीप्लाई में जो हमारे पास इंटीग्रेशन है थीटा का वो क्या है साइन टू थीटा अपॉन में टू और इसका आगे हमें इंटीग्रेशन करना है टू से टू वन टाइम डिवाइड हो गया ठीक है अब साइन टू थीटा अपॉन में कॉस्ट टू थीटा बन जाएगा टेन टू थीटा यानी आई का वैल्यू क्या आ रहा है देखो आई का वैल्यू बन रहा है हमारे पास में साइन टू थीटा अपॉन टू साइन टू थीटा अपॉन टू मल्टीप्लाई में लॉग लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा और अब देखो यहां पे माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू थीटा डी थीटा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू थीटा डी थीटा ये बन रहा है अब इसका इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली साइन टू थीटा अपॉन में टू लॉग लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ये आ गया माइनस में अब इधर इंटीग्रेशन कर लिया हमने तो एल या बोल सकते हैं लॉग ठीक है लॉग मॉड ऑफ लॉग मॉड ऑफ सेक टू थीटा और अपॉन में टू आएगा ना तो वन अपॉन टू हो गया और प्लस में मान लो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा उसको हम बोल लेते हैं सी वन ठीक है इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन टू थीटा अपॉन में टू लॉग लॉग और यहां पे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है माइनस में वन बाय टू लॉग मॉड ऑफ यहां पे इसको लिख लिया वन अपॉन में कॉस टू थीटा ऐसे करके लिख लिया प्लस में सी वन आ रहा होगा ये इसका मतलब देखो क्या है आई का फाइनली वैल्यू क्या आएगा साइन टू थीटा अपॉन में टू लॉग कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अब यहाँ पे माइनस में एक बार तो देखो लॉग ए अपॉन बी अगेन लग जाएगा यहाँ पे तो लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में खुलेगा ठीक है तो लॉग वन का वैल्यू तो जीरो होता है ठीक है तो माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई में जीरो होगा फिर फर्दर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इधर और वन बाई टू लॉग लॉग और अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव है तो कॉस टू थीटा ठीक है एज इट इज़ आया और प्लस में सी वन ये हमारा फाइनल इंटीग्रल है तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ये ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक